In this video, I will be discussing remaining multiple choice questions of chapter number 5, factorization. Students, we have two important topics, LCM and HCF. LCM stands for least common multiple. And for LCM of polynomial, we have formula. Formula is product of common factors and non-common factors. So first of all, for LCM, we have to find factors. In MCQ number 14, the LCM of x cube minus y cube and x power 6 minus y power 6 is. So beta, x cube minus y cube or x 6 minus y 6. अगर मैं x6 minus y6 को factorize करूं, तो by formula a square minus b square x cube y cube 3 to the 6 x cube minus y cube x cube plus y cube. फर्स्ट जो मेरे पास टर्म थी वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और सेकेंड एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स. अब मुझे ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है. तो कॉमन है बेटा x cube minus y cube. non common क्या है? ये तो common में आ गया. non common obviously x cube plus y cube ये non common. now we can simplify x cube minus y cube multiply by x cube plus y cube by formula of a minus b to a plus b. a square minus b square. a is x cube, b is y cube. x 6 minus y 6. LCM बेटा मुझे कैलकुलेट करना था. x 6 minus y 6 आंसर आ रहा है डी ऑप्शन. लेट्स सपोज यही क्वेश्चन अगर होता और मुझे HCF कैलकुलेट करना हो. HCF HCF stands for highest common factor, is also known as greatest common divisor. और HCF के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा सिर्फ और सिर्फ कॉमन वेक्टर. सिर्फ कॉमन देखना होगा आपको. तो x cube minus y cube, x6 minus y6, x cube minus y cube तो as it is रहा, x6 minus y6 के वेक्टर बनाइए और कॉमन देख लीजिए. तो कॉमन क्या है इन दोनों में? x cube minus y cube. लेट्स सपोज कि अगर इसी क्वेश्चन में HCF कैलकुलेट करना होता तो x cube minus y cube ये मेरा आंसर होता, मतलब कि ए ऑप्शन. लेकिन मुझे LCM कैलकुलेट करना होता. द नेक्स्ट MCQ पर आते हैं. द LCM ऑफ 9x स्क्वायर एंड 15x. तो बेटा LCM कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा? फैक्टर्स बनाने होंगे. 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा? 3 3 सा और x स्क्वायर है तो x इनटू x. 15 3 5 सा 15 और साथ ही आ गया x.
तो पहले मैंने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद अगर मुझे एल सी एम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब कॉमन क्या है, थ्री कॉमन है और कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन। बेटा ये थ्री यहां पर मैच नहीं हुआ ना, फर्स्ट थ्री मैच हुआ तो नॉन कॉमन में थ्री लिखा जाएगा। ये एक्स यहां पर मैच नहीं हुआ, ये एक्स लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या बचा, क्या मैच नहीं हुआ, फाइव। तो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फाइव जा 45, x into x, x square. So the LCM of 9x square and 15x is 45 x square. MCQ number. So let's suppose कि मुझे इसी question का HCF देखना अगर हो, HCF में क्या देखते हैं, common factor. क्या कॉमन है यहां पर, तो कॉमन तो मैंने यहां पर जो पहले लिखा था ना 3x, 3 मैच हो रहा था और एक x मैच हो रहा था, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा 3x, HCF will be 3x. MCQ number 16, the HCF of 18x power 5 y square and 12x to y power 4 is. बेटा 18 के फैक्टर्स बनाते 2, 3, 3, x पावर 5 है, x x x x x 5 टाइम्स ना, y स्क्वायर है y इनटू y, 12 के फैक्टर्स बना रहा हूं मैं। 12 होगा 2, 3, x क्यूब है और y पावर 4, ठीक है। नाउ फॉर h c f मैं क्या देखूंगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर। बेटा कॉमन क्या है, कॉमन में आ गया और बेटा 3 इज कॉमन, x और फिर x, इतने x है बेटा, x क्यूब है 3x है और y अगर मैं देखूं, y बेटा सिंपलीफाई करते हैं, 2 3 जा 6, x क्यूब y स्क्वायर, 6x cube by square, कहाँ है 6x cube by square, इसी ऑप्शन। Let's suppose कि मुझे अगर L C M calculate करना होता, तो common multiply by non common, तो common मैं लेता और common तो ये आता मेरे पास 6x cube by square multiply by non common, non common का मतलब जो बच गया। तो यहाँ पर बेटा क्या remaining है, नॉन कॉमन में बेटा मैं 3 उठाऊंगा यहां से और ये 2x x स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहां से बेटा 2 और ये 2y, y into y, y स्क्वायर। अब बेटा 6 3 जा 18, 2 जा 36, x क्यूब और x स्क्वायर, x पावर 5, y स्क्वायर और y स्क्वायर by power 4, LCM counter. The next MCQ is the HCF of x power 4 minus y power 4 and x square plus y square is. So beta x square plus y square. As we have no formula of a square plus b square now, so we cannot factorize. But x power 4 minus y power 4, we can factorize it by formula a square minus b square.
एलसीएम और एफसीएफ से पहले आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वरना आप पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन का एफसीएफ एलसीएम बेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते विदाउट फैक्टराइजेशन। अब एच सी एफ में सिर्फ कॉमन देखा जाता है, तो अब आप ये देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन। द नेक्स्ट एमसीक्यू है द एच सी एफ ऑफ एक्स पावर फोर माइनस वाई पावर फोर माइनस वाई क्यूब। यस अच्छा जी, x पावर 4 है, इसके फैक्टर्स बनाइए, क्या बनेंगे, अभी आपने ऊपर बनाया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और बेटा इसमें हम फर्दर क्या वर्कआउट करेंगे, इसे फर्दर ब्रेक कर देते हैं, x माइनस y, x प्लस y, y x square plus y square beta as it is, you cannot factorize this, or x cube minus y cube hai na, x cube minus y cube ko factorize kar dijiye, y a cube minus b cube, a minus b, a square plus a b plus b square. Ab HCF mein sirf kya dekhte hain, common factor. कॉमन क्या है, सिर्फ एक्स माइनस वाई कॉमन है बेटा, क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन, एक्स माइनस वाई। द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2019 का बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बेटा, इसे आप फैक्टराइज कर सकते हो बाय फॉर्मूला ए प्लस बी a square minus a b plus b square, or a square minus a b plus b square. Beta, we cannot factorize this now. अब आपने क्या देखना है कि इसमें और इसमें HCF, so HCF is the common factor. और common factor है बेटा a square माइनस बी बी प्लस बी स्क्वायर कॉमन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एंड एक्स पावर 4 माइनस 16 एस। फर्स्ट यू विल फैक्टराइज बोथ द एक्सप्रेशंस, एक्स क्यूब माइनस 8 बेटा ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, जिससे मैंने फैक्टराइज किया x माइनस 2, a माइनस b, फिर a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस a b प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, तो x क्यूब माइनस 8 को मैंने फैक्टराइज कर दिया a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में से। अब मैं फैक्टराइज कर रहा हूं x पावर 4 माइनस 16 को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16 है तो बेटा 4 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा एक्स माइनस 2 x plus 2 by the formula of a square minus b square, और ये तो x square plus 4 है ना, plus में further factorization नहीं होती बेटा। अब आपको यहाँ पर HCF देखना है, HCF में बेटा हम सिर्फ क्या देखते हैं, common, तो अब आप notice करें कि क्या common है, x minus 2 common है और कुछ common है नहीं, तो बेटा x माइनस 2 इज द आंसर। लास्ट एमसीक्यू बेटा, द एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम
is equals to first polynomial multiplied by ऑप्शन है सेकंड पॉलिनोमियल थर्ड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल रेशनल बेटा मेमोराइज कर लीजिएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग एमसीक्यूज को डिस्कस किया